उत्ती भाभी ने फोन काट दिया यार। गलती से कट गया होगा। कट गया यार। फोन कर। नहीं कटी। सुन ये मेरे एक्सीडेंट के बारे में कुछ मत बताइए उनको। वो परेशान हो गए फालतू में। ओ यार भाभी ने फिर काट दिया। ऐसे कभी नहीं होता। क्या 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 चल क्या रहा है मामला? कुछ गड़बड़ है। अब तो बात करनी पड़ेगी। फोन कर। क्यों तंग कर रहा है कबीर? हाँ बोल। भाभी आप ठीक तो हो ना? हाँ। मैं पूछ फोन क्यों काट रहे हैं? भाभी आपको पता है आप कितने टेंशन में थे? आप बार बार हमारा फोन काट रहे हो। कोई बात तो नहीं है? नहीं कबीर कोई बात नहीं है। तू बता क्यों कॉल कर रहा था बार बार? घर में सब ठीक तो है ना? मम्मी जी कैसी है? अरे सब ठीक है। और मम्मी को क्यों आना है? वो तो बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। और नहीं मैं और प्रीतम प्यारे बैठे थे एक साथ तो सोचा कॉल कर लेते। बस यही था। चल ठीक है मैं अभी रखती हूँ कल सुबह बात करते हैं। ठीक है ओके। हेलो जी। हेलो आप नाराज हैं मुझसे? हाँ नहीं तो? नहीं तो फिर आप बात क्यों नहीं कर रही हैं मुझसे? मेरा मतलब है कि कबीर से। वो आज उसकी शूटिंग का पहला दिन था। वो बताना चाह रहा था आपको आप के वो कबीर को फोन दीजिए जरा। जी बात कर। हेलो कैसी रही तेरी आज की शूटिंग? अरे एकदम बढ़िया शूटिंग रही। बस वो दादाजी ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी तो बट वो मामला सेटल हो गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब जो मेरी क्रिएटिव डायरेक्टर है वो घर आई और फिर दादाजी ने माफ कर ही दिया। आइटम है यार दादाजी वाकई। बट दिस ये क्रिएटिव डायरेक्टर तुम्हारी इंटरेस्टिंग। मुझे मिलवाना है इससे। मैं खबरदार किसी से मिलवाने की जरूरत नहीं है। कोई कभी तू अपने काम पे ध्यान दे बस। और दादू से बात मैं कर लूंगी। वो अब तेरी शूटिंग से दूर रहेंगे। अरे भाभी आप टेंशन मत लो। अब आराम से सो जाओ। मैं भी सो जाता हूँ। वो चेहरे पे दिखता ना। हाँ हेलो 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 एक मिनट वो प्रीतम को फोन देना जरा। भाभी बात करना चाहती है तुमसे। जी अब मैं देखिए बिल्कुल ठीक पहुंच गया था। ठीक ठाक पहुंच गया था। अब आई एम सॉरी वो मैं वहां से निकलते वक्त आपसे मिल नहीं पाया। तो आप कैसी हैं? सब ठीक है वहां पे? आपकी जैकेट छूट गई है यहाँ। खैर वो मैं लेकर आ जाऊंगी। कोई बात नहीं सॉल लाइक। आप मुझे ये बताइए कि आप थोड़ी देर में मुझे वापस फोन कर सकते हैं अकेले में? जी क्या कह रही? अरे अब इतनी सिंपल सी बात मुझे दोबारा बोलनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं आप मुझे फोन कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकता हूँ। अबे दर्द हो रहा है सर में दर्द हो रहा है। तो सोने दे ना मुझे। चल उठा 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 चल सोने दे तेरा शूट है सुबह सो जा जाके। चल ओह चल 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 अच्छा ठीक है। नाइट गुड नाइट। डन डन। अरे रेस्ट रेस्ट अकेले में से बात। अरे अजीब है कर तो दिया अकेला अपने आप को। करिए ना बात उठा क्यों नहीं रही है? हेलो कहाँ थे आप? अब वो अंश का डायपर चेंज कर रही थी मैं। ओ अच्छा कोई बात नहीं तो बताइए कुछ कहना चाहती थी आप। हाँ वो
आपके पास अभी भी गाड़ी है या आपने लौटा दी? वो मुझे दिल्ली वापस आना है, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? मगर ये अचानक क्यों? आप तो कह रही थी कि आप रुकना चाहती हैं कुछ दिन। अब ये क्यों जानना है आपको? आप ना ही मेरे सास ससुर हैं और ना ही मेरे मम्मी पापा। जी नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए, मैं अकेली ही आ जाऊंगी। नहीं देखिए, बात क्या है? ये तो क्या कर रही बच्चे? तो जाने के लिए प्रीतम को बुलाना चाहती है। अरे वो है कौन? और यहाँ ऐसा क्या हो गया कि तू चली जाना चाहती है? बस मुझे वापस जाना है कल के कल। ठीक है बच्चे, तुझे जाना है ना, जा। और अकेले जाके कम से कम हमें बेइज्जत तो मत कर। तू और अंश हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं तुझे छोड़ने जाऊंगा दिल्ली। ये क्या कह रहे हो आप? ठीक कह रहा हूं सरू, जब इसका अपने मम्मी पापा के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है तो फिर क्या फायदा इसका यहां रुकने का? ना अमिता, ना बुद्धा, ऐसा ना कर। 2 साल के बाद आई है तो इस घर में, ऐसे मत जा। मैं फिर कभी आ जाऊंगी मम्मी, पर प्लीज अभी जाने दीजिए मुझे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ। अरे क्या पागलपन है अमृता, हमने ऐसा क्या कर दिया है? अरे एक रिश्ता आया है, हमने बस उसके बारे में सोचा, बस। तेरी मम्मी सही कह रही है बच्चे, और अभी तो हमने शादी की कोई बात ही नहीं की है, और ये भी तय है कि शादी होगी तो 1-2 साल बाद ही होगी। माँ बाप है हम तेरे, तेरे बारे में कुछ अच्छा सोच भी नहीं सकते, तुझमें कोई अधिकार नहीं हमारा। अधिकार है मम्मी, है अधिकार। आप मेरी किस्मत का फैसला कर लो, पर मेरी मोहब्बत का नहीं। ओए कैसी मोहब्बत बच्चे, करण अब इस दुनिया में नहीं है और यही सच है। करण आपके लिए इस दुनिया में नहीं होगा पापा, पर मेरे लिए है, मेरे लिए वो ये देखिए, ये यहाँ है मेरा करण, वहां है ये, यहाँ यहाँ मेरे बगल में आ रहा है करण। बहुत हो गई तेरी बकवास, बंद कर तेरा नाटक। अरे जब देखो सकुजा परिवार, सकुजा परिवार। आज तुझे ये जिंदगी आसान लग रही है क्योंकि वो सब लोग तेरे साथ खड़े हैं, लेकिन कल को जब अंगद कबीर की शादी हो जाएगी ना, फिर तू अकेली हो जाएगी। कल को जब अंगद कबीर उस घर को वारिस देंगे ना, ना निम्मो जी तेरा साथ देंगे, ना गुनीत भाई साहब। और तब तक शायद हम ही ना रहे पुत्र, तब तू क्या करेगी? देख बच्चे, जिंदगी की जरूरतें उम्र के साथ घटती नहीं बढ़ती हैं, और इस बात को समझ बच्चे। बेटा बाद में पछताने से क्या फायदा? मैं नहीं पछताऊंगी, मैं अब भी अपने आप को संभाल सकती हूँ, तब भी मैं देख लूंगी। पापा आप मुझे दिल्ली ले जा सकते हैं या नहीं? ऐसे में नाराज नहीं होते, बात समझने की कोशिश। अरे मुझे इस घर में घुटन हो रही है मम्मी, इस घर में तुझे घुटन हो रही है। हाय हाय, ऐसा क्या कर दिया हमने कि जिस घर में तूने जन्म लिया है उसी घर में तुझे घुटन हो रही है? क्योंकि जिस घर में करण की कोई गुंजाइश नहीं वहां मुझे घुटन ही होगी मम्मी। पापा, पापा प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज आप मेरी खुशी चाहते हैं ना, चाहते हैं ना मेरी खुशी? मेरी खुशी कहीं और है, मेरी खुशी उस घर में है जहां मेरे और मेरे करण की यादें हैं। प्लीज मुझे मेरी जड़ से मत उखाड़िए, मैं खाली नहीं हूं, मैं करण से भरी हुई हूं। प्लीज
ऐसे में मैं अपनी शादी किसी और से सोच भी नहीं सकती। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। लेकिन अमृता। बस अरुण बस, इस बारे में अब और कोई बात नहीं होगी। ठीक है बच्चे, जैसा तू चाहती है अब वैसे ही होगा पुत्र। तू जाना चाहती है ना? ठीक, कल अपना सामान तैयार रखना, मैं खुद तुझे दिल्ली छोड़ने जाऊंगा। खुश चल सरू, मैं कह रहा हूं ना, चल चल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।